हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एनएन स्पोर्ट्स। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। रोहित शर्मा हमेशा लंबी पारी और शांत अंदाज के लिए जाने जाते हैं। आईपीएल के सबसे कामयाब कप्तान और वर्ल्ड क्रिकेट में 3 वनडे डबल सेंचुरी लगाने वाले रोहित शर्मा रोमांटिक हो गए हैं। रोहित का ये अंदाज उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। रोहित शर्मा आखिर क्यों रोमांटिक हुए हैं, इसकी वजह आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टीम इंडिया के बल्लेबाज रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, हालांकि वो दूसरे टेस्ट में नहीं खेलने वाले हैं। रोहित शर्मा इस वक्त क्वारंटीन वक्त पूरा कर रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया में वो अपनी पत्नी को साथ लेकर गए हैं। रोहित शर्मा का तीसरे और चौथे टेस्ट में खेलना तय है। रोहित को हमेशा से आक्रामक रूप में बल्लेबाजी करते हुए देखा गया, लेकिन रोहित का रोमांटिक रूप देख कर उनके फैंस भी हैरान हो गए हैं। दरअसल रोहित शर्मा ने पत्नी रितिका को उनके 33वें जन्मदिन पर रोमांटिक अंदाज में विश किया था। रोहित ने इंस्टाग्राम पर कई फोटो पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा, जन्मदिन मुबारक हो डार्लिंग। रोहित और रितिका ने साल 2015 में शादी की थी और उनकी एक बेटी भी है। ये पहला मौका नहीं जब रोहित शर्मा और उनकी पत्नी रितिका की सोशल मीडिया पर फोटो आई है। इससे पहले भी कई बार रोहित शर्मा और रितिका की फोटो सोशल मीडिया पर आई है। आईपीएल के दौरान दोनों ने होटल के कमरे में फिटनेस की थी। इसके अलावा भी दोनों सोशल मीडिया पर काफी फेमस है और अब रोहित शर्मा का रोमांटिक अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि रोहित शर्मा को आईपीएल के दौरान चोट लगी थी, जिसके बाद उन्होंने कुछ मैच खेले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए उनका किसी टीम में नाम नहीं था। इसी के साथ उन्होंने बेंगलुरु की नेशनल एकेडमी में फिटनेस की और पूरी तरह फिट होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचे। रोहित शर्मा के भारतीय टीम से जुड़ने से टीम को मजबूती मिलेगी, क्योंकि टीम पहले टेस्ट की दूसरी पारी में सिर्फ 36 रन पर ढेर हो गई थी और उसे 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा टेस्ट मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंग डे से शुरू होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत की शर्मनाक हार के बाद सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा ट्रेंड करने लगे थे। भारतीय क्रिकेट फैंस ने रोहित को लेकर कहा था कि अगर वो होते तो मैच जीत जाते। यहां तक कि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रोहित को लाओ और मैच जिताओ। अब रोहित शर्मा सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं, लेकिन देखना होगा कि रोहित शर्मा किस स्थान पर तीसरे टेस्ट में बल्लेबाजी करते हैं। तो रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट में नहीं खेलेंगे, लेकिन तीसरा टेस्ट जो 7 जनवरी से शुरू होने वाला है उनमें उनका खेलना तय है। टीम इंडिया इस वक्त 4 टेस्ट सीरीज में 0-1 से पीछे है। विराट कोहली अब बाकी 3 टेस्ट नहीं खेलने वाले हैं। ऐसे में रोहित शर्मा पर अच्छा खासा दबाव होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के हर अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एनएन स्पोर्ट्स के साथ।